आरसीबी की टीम सीएसके के खिलाफ भले ही अपना मैच हार गई हो, लेकिन आरसीबी के युवा क्रिकेटर सुयश प्रभुदेसाई ने डेब्यू मैच में ही सबका दिल जीत लिया। 24 साल के सुयश ने पहले फील्डिंग के दौरान मोइन अली को जबरदस्त तरीके से रन आउट कर पवेलियन लौटाया। उसके बाद बल्ले से भी कमाल कर दिया। जहां आरसीबी के दूसरे बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस रहे थे, वहां पर सुयश ने 18 गेंद खेलते हुए 34 रन बना दिए। इस दौरान 5 चौके और 1 छक्का भी जड़ दिया। घरेलू क्रिकेट में गोवा के लिए खेलने वाले सुयश को आरसीबी की टीम ने 30 लाख रुपए में मेगा ऑक्शन में खरीदा था। 6 दिसंबर 1997 को जन्मे दाएं हाथ के बल्लेबाज सुयश ने 22 फरवरी 2019 को सिक्किम के खिलाफ टी20 में डेब्यू किया था। सुयश के नाम इससे पहले 22 टी20 मैचों में 443 रन दर्ज हैं। इसके साथ ही वो दाएं हाथ से मध्यम गति से गेंदबाजी भी करते हैं। सीएसके के खिलाफ धमाकेदार बैटिंग के बाद चारों तरफ सुयश के नाम की चर्चा हो रही है।